दोस्तों, फ्री फायर गेम को अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में कैसे इंस्टॉल करते हैं या फिर कैसे खेलते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। लेकिन दोस्तों, मैंने एक वीडियो में ब्लूस्टेक के बारे में बताया था कि कैसे आप लोग ब्लूस्टेक को अपने पीसी में या फिर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके फ्री फायर गेम को इंस्टॉल करके खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो पे काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई ये गेम ब्लूस्टेक में लैग कर रही है, ब्लूस्टेक ऐसे चल नहीं रहा है। तो आपकी दोस्तों इसी परेशानी को देखते हुए ब्लूस्टेक वालों ने क्या करा कि उन्होंने ब्लूस्टेक 5 को लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों ब्लूस्टेक 4 से आधी रैम यूज करता है, 50% कम रैम यूज करता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोग फ्री फायर को ब्लूस्टेक 5 में इंस्टॉल करके खेलोगे तो आपकी गेम दोस्तों मक्खन की तरह चलने वाली है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग दोस्तों ब्लूस्टेक 5 को इंस्टॉल करोगे और कैसे उसमें फ्री फायर गेम को इंस्टॉल करोगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है, तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि ब्लूस्टेक 5 में गेम लैग करे तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस वीडियो पे दोस्तों मुझे 500 लाइक कंप्लीट करा देना, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन लोग दोस्तों इसमें इंटरेस्टेड है कि इसका सॉल्यूशन लाओ, लैग का इशू सॉल्व करो, तो मैं जान पाऊंगा और मैं उसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। लेकिन अगर 500 लाइक नहीं होते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 नहीं लाऊंगा सॉल्यूशन वाला। तो जल्दी से कमेंट करके या फिर लाइक करके बता देना, 500 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगी सॉल्यूशन वाली, क्योंकि काफी सारे लोगों के लैपटॉप में और पीसी में दोस्तों ब्लूस्टेक 5 को इंस्टॉल करने के बाद भी गेम लैग करने लगती है। और दोस्तों, आप लोग मेरे पीछे जो देख रहे हो, इसमें भी दोस्तों ब्लूस्टेक 4 सही से चलता है, लेकिन मैंने ब्लूस्टेक 5 को इंस्टॉल करा था अपने पीसी में, तो क्या हुआ कि उसमें गेम लैग कर रही थी। तो मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा कि क्यों लैग कर रही थी, तो वो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा अगर आपका लो एंड पीसी है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिएगा, और जो भी लोग दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। अब चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों, ब्लूस्टेक 5 को अपने लैपटॉप में या फिर अपने पीसी में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, और उसके सर्च बार में आपको सर्च करना है ब्लूस्टेक 5। ब्लूस्टेक 5 लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करोगे तो दोस्तों सबसे पहले ऐड आएगी, उन्हीं की ऐड है, उसके नीचे भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप लोग आके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अप टू 50% फास्टर सेटअप टाइम, अप टू 50% लेस रैम यूसेज, लार्जेस्ट गेम प्ले लाइब्रेरी और ट्रस्टेड बाय 500 मिलियन गेमर्स। तो आप लोग देख सकते हो कि यह सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका पीसी 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग लोगो पे क्लिक करेंगे। लोगो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग आएंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑल वर्जन दिए गए हैं। ऑल वर्जन पे आप लोग क्लिक करिए, और आप लोग दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो विंडोज़ ब्लूस्टेक 5 32 बिट के लिए दोस्तों आप लोगों के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर 64 बिट के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा दोस्तों जो पीसी है ये 64 बिट का है, और मेरा लैपटॉप भी 64 बिट का है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा इसे। और दोस्तों मैक के लिए भी आने वाला है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसे कहाँ पर डाउनलोड करूँ ऐसा बताया जा रहा है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर भी इंस्टॉल कर लेते हैं, चलो सेव कर लेते हैं। वैसे भी मैंने डाउनलोड करा हुआ था, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक इंस्टॉलर डाउनलोड हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि इस इंस्टॉलर को हमें इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो सेव का ऑप्शन आएगा, और अभी दोस्तों यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। चलिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ सेटिंग विंडोज़ कैप्चर की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये इंस्टॉल हो रहा है, जो कि आपको शायद दिखाई नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि इसका सीन ही कुछ ऐसा है। आप लोग देख लीजिए, ये है दोस्तों जो कि कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होगा, ऐसा ऑप्शन आएगा जब आप लोग करेंगे। तो हम लोग इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, और दोस्तों आपको पीछे सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, क्योंकि दोस्तों मैं जिस रिकॉर्डिंग का यूज़ कर रहा हूँ उसमें दोस्तों केवल एक ही चीज़ इंस्टॉल रिकॉर्ड हो पा रही है। तो अभी ये दोस्तों इंस्टॉल हो रहा है, आप लोग देख सकते हो, और स्पीड तो काफ़ी अच्छी है डाउनलोड की, तो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। तो जल्दी से दोस्तों मैं इसे इंस्टॉल होने देता हूँ, उसके बाद हम आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ब्लूस्टेक 5 इंस्टॉल होने ही वाला है, और इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद दोस्तों एक दूसरा प्रोसेस होगा 70 MB का, तो वो भी दोस्तों आपको डाउनलोड होने देना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी कि 50% रैम यूज़ करेगा, 50% फास्टर है। तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों का जो ये है ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन आ चुका है, तो इसको भी हम लोग इंस्टॉल होने देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि ये इंस्टॉल हो रहा है, तो इसे जल्दी से हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं।
तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ब्लूस्टैक 5 इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जाना है प्ले स्टोर पे और अपनी दोस्तों जो आईडी होगी, ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, गूगल प्ले स्टोर की जीमेल आईडी, वो आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेना है। वो तो आप लोग जानते होंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस। और दोस्तों ये काफ़ी फास्टर है, आप लोग देख सकते हो कि ये जल्दी आ चुका है। तो चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको फ्री फायर को कैसे इंस्टॉल करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपने ईमेल आईडी से इसमें लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर मुझे सबसे पहले फ्री फायर देखने को मिल जाएगी। अगर आपके यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है तो आपको सिंपली दोस्तों ऊपर सर्च करना है फ्री फायर। तो यहाँ पर आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को दोस्तों फ्री फायर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग इसे डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर दोस्तों अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलती है तो यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है होम वाले सेक्शन में और यहाँ पर दोस्तों गेम सेंटर पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग ये वाले ऑप्शन पे आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप लोगों को ऊपर सर्च करना है फ्री फायर। तो आप लोग इसे सर्च करोगे तो आपको भी यहाँ पर फ्री फायर देखने को मिल जाएगी, जो कि ये रही। जिस पे आप लोग क्लिक करोगे तो ये आपको वही पेज पे ले आएगा जहाँ पे अभी हम थे। तो आप लोग दोस्तों डायरेक्टली वहाँ से इंस्टॉल कर लेना, या फिर अगर आपको नहीं मिलती है वहाँ पे तो आप लोग यहाँ पर आके ऐसे सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सही है, जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी अगर आपका नेट सही होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग इसे इंस्टॉल होने देते हैं, फिर मैं आपको रन करके दिखाऊंगा कि गेम कैसी चल रही है, ठीक है। अगर लैग करती है तो लैग का सॉल्यूशन मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट करा दोगे तो सॉल्यूशन वाला वीडियो आ जाएगा, अगर आपके पीसी में या फिर आपके लैपटॉप में गेम लैग करती है तो। कमेंट करके बता देना और लाइक कर देना। 500 लाइक का टारगेट है, जो बहुत ही इजी टारगेट है। मुझे पता है कि आप में से 1000 लोग देखते हैं वीडियो को, तो उसमें से 500 लाइक करेंगे तो लाइक हो जाएगा। तो भाई कोई भी डिसलाइक मत करना, लाइक करते जाना तो 500 लाइक कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो लैग इशू है वो सॉल्व करने वाला वीडियो मैं आपको दे दूंगा। और बहुत ही कारगर दोस्तों वो वीडियो है, आपके बहुत ही काम आने वाला है सॉल्यूशन वाला, कि लैग कैसे ठीक करें, ठीक है। तो गेम दोस्तों 30% 35% डाउनलोड हो चुकी है, तो इसे इंस्टॉल होने देता हूँ, फिर हम आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि गेम सही से इंस्टॉल हो चुकी है, हम लोग यहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं या फिर हम लोग बैक जाएंगे दोस्तों होम में और यहाँ पर दोस्तों हमें गेम मिल जाएगी, ये रही फ्री फायर। तो जिस पे क्लिक करके अभी हम लोग ओपन कर सकते हैं, तो हम लोग दोस्तों इसे ओपन कर लेते हैं। और मेरे पीसी में दोस्तों ब्लूस्टैक 4 भी इंस्टॉल है, जिसमें ऑलरेडी दोस्तों फ्री फायर इंस्टॉल है और ब्लूस्टैक 5 मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया आप लोगों को सिखाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें भी फ्री फायर इंस्टॉल है। तो आप लोग दोस्तों दोनों चेक कर सकते हो कि किस में सही से चल रही है। अगर आप लोग दोस्तों ब्लूस्टैक 5 को यूज़ करेंगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा सही चलने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये लो एंड पीसी के लिए बनाया गया दोस्तों इम्यूलेटर है। सारी चीज़ें दोस्तों मैं अलाउ कर देता हूँ अलाउ, और दोस्तों गेम स्टार्ट होने वाली है। और इसमें दोस्तों मुझे अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, तो वो भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ क्योंकि। तो दोस्तों मैंने साइन इन कर लिया है, अब चलिए टैप टू बिगिन पे क्लिक करते हैं। और सबसे पहले तो दोस्तों मुझे ये जो म्यूजिक चल रहा है शायद आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा होगा, जिसे मैं अभी बंद कर देता हूँ जाके जल्दी से। अरे ओके, यहाँ पर जाएंगे, साउंड पे जाएंगे। अरे भाई साहब, अभी जो भी चीज़ें अभी मिल रही है, तो म्यूजिक को दोस्तों मैंने बंद कर दिया, मुझे काफ़ी इरिटेट कर रहा था, शायद आप लोगों को कुछ सुना ही नहीं देगा क्योंकि मैंने यहाँ से बंद कर दिया था ओबीएस से। और यहाँ पर भी दोस्तों पैक डाउनलोड हो रहा है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए बंद। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों को लैग का इशू देखने को मिल रहा है, ज़रा भी नहीं देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों मेरा पीसी काफ़ी सही है, लेकिन आपके लैपटॉप में 4 GB RAM 2 GB RAM है तो ऐसा दोस्तों आपको इशू देखने को नहीं मिलता है, ऐसा ही आपको लैग का इशू देखने को नहीं मिलता। अगर फिर भी आपको लैग का इशू देखने को मिलता है तो भाई वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, या फिर जल्दी से 500 लाइक कंप्लीट करा देना इस वीडियो पे, तो उसका सॉल्यूशन मैं ला दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि गेम काफ़ी सही चल रही है। चलिए मैं कोई भी गेम प्ले स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैं जाऊँगा ट्रेनिंग ग्राउंड में। दोस्तों ट्रेनिंग ग्राउंड में जल्दी काम हो जाता है अपना। और अभी दोस्तों डेटा पैक हम लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, तो आप लोग देख सकते हो कि करेक्टर की कोई स्किल या फिर करेक्टर के जो बंडल है वो नहीं दिखेंगे, पैक हम लोग ने डाउनलोड नहीं करा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोग आ चुके हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो इसमें दोस्तों सेंसिटिविटी भी ठीक कर सकते हैं हम लोग। तो अभी आप लोग देख लीजिए अपना जो बंदा है वो भाग रहा है बहुत ही सही तरीके से। क्या आपको जरा भी लेग का इशू देखने को मिल रहा है बताना कमेंट करके। नहीं मिलेगा दोस्तों, नहीं मिलेगा। और आपके पीसी में 4 GB RAM 2 GB RAM है तो भी शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप लोगों को एक सेटिंग बताऊंगा। और इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे वो भी लगाने पड़ेंगे, क्या कहते हैं भाई, की मैपिंग कैसे करते हैं, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो भी बता देना कमेंट करके कि हाँ भाई हमें ब्लूस्टैक 5 में की मैपिंग कैसे करनी है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो ला दूंगा, ठीक
ठीक है, या फिर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो आप लोग सर्च कर लेना हाउ टू की मैपिंग ऑन ब्लूस्टैक बाय प्रकाश चौहान, मेरा नाम लिखोगे तो दोस्तों आपको की मैपिंग मिल जाएगी। तो अपना दोस्तों बंदा काफ़ी सही से भाग रहा है बिना किसी लैग बिना किसी इशू के, तो आप लोग देख ही सकते हो। तो बहुत ही दोस्तों सही से चल रही है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। चलिए मैं कोई भी एक गन उठा लेता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर की मैपिंग सही से नहीं करी हुई है तो मैं माउस का यूज़ करूँगा, और माउस का यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं कौन सी गन उठाऊँ, चलिए मैं शॉर्ट गन ले लेता हूँ और हेड मारने की ट्राई करता हूँ कि इस हेड लगता है कि नहीं। और दोस्तों मेरी की मैपिंग थोड़ी सी अलग है तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है अभी खेलने में, हेड जरा भी नहीं लग रहा है। रीज़न ये है कि हम लोगों को दोस्तों ये जो है 30 57 तक 56 तक में रख देता हूँ। तो इसकी भी दोस्तों मैं आपको सेटिंग बता दूंगा कि आपको ड्रैग कैसे करना है, ड्रैग की सेटिंग क्या है, तो कमेंट करके बता देना भाइयों। तो ब्लूस्टैक 5 के ऊपर बहुत सारी वीडियो बन जाएगी, जैसे कि लैग इशू सॉल्व, या फिर की मैपिंग कैसे करते हैं, या फिर हेडशॉट मारने के लिए सेंसिटिविटी क्या रखें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे। और इस वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट हो जाने चाहिए अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए लैग का। मेरे पीसी में तो दोस्तों लैग नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेटिंग करी हुई है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पीसी में भी आपके लैपटॉप में भी लैग ना करे तो कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में, कुछ इस तरीके से आप लोग अपने लैपटॉप में और अपने पीसी में ब्लूस्टैक 5 के जरिए फ्री फायर को इंस्टॉल करके उसमें फ्री फायर गेम को खेल पाएंगे। तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो में, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर देना, इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।